Welcome to Yogic and Modern Science. Today we'll be exploring about this whole creation, whether the creation is real or unreal. Many of you must have heard so many gurus and so many other people saying that this whole universe, this jagat is not real, it is unreal. It exists only in the appearance, but its existence is not real. In Vasishtha Ramayana also, Vasishtha ji says to Bhagwan Ram that this jagat exists only in the appearance. It is not real, it is unreal. Many other sages also say the same thing, that this universe, this srishti, this jagat is unreal, not real. Sharmaji, what is the standpoint of yogic science about this whole creation being real or unreal? ये जो पूरा जगत है, real है या unreal है, काल्पनिक है या सच में है? और यदि काल्पनिक है तो काल्पनिक जगत किसको कहते हैं, और real सत्य किसको कहते हैं? जैसे शंकराचार्य ने भी कहा है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य. हाँ जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य. तो आज हम व्यूअर्स को ये हम बताना चाहेंगे और हम एक्सप्लोर करेंगे इसके अंदर और सोचेंगे, मनन करेंगे कि जगत का क्या अस्तित्व है, रियल है या अनरियल है. जी, तो इसमें योगिक साइंस के माध्यम से हमारा योग का विज्ञान ये कह रहा है कि अगर जगत हमें किसी भी इंद्रियगत ज्ञानों से ये भासता है, इसके आकार है, इसका ठोस है और इसकी वस्तु पदार्थ है, इसमें हमें इसका इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में लाते हैं, तो ये सारा जगत जो है हमारे लिए ये इस हालात में जब सत्य भासता है या जब रियल दिखाई देता है कि जब हमें इसकी हम इसका उपयोग करते हैं. मगर योगिक जब हम ये करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो ये सत्य भासता है. योगिक विज्ञान जो हमारा ये कह रहा है कि जब हम एक योग ऐसा करें जहां पर हमें ये कि इसकी जगत की चरम सीमा जो है एकदम गहराई में हम चले जाएं और गहराई में ये पता करें कि ये रियल है या ये अनरियल है, तो जगत ये जाकर के हम वहां पे पता करें या जाने कि असलियत में है क्या, तो हमें समझ में आता है कि जो शास्त्र कहता है कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, हम वहां जाके पहुंच जाते हैं. जब हमें वो चीज दिखाई देती है तो वहां पर एक जो चेतन की प्रक्रिया है, जो पूर्ण संपूर्ण चेतना है, वो एक संपूर्ण चेतना ये दृश्य और दृष्टि और आपका दृष्टा, दृष्टि और दृश्य और दृष्टा, ये तीन की स्थिति वहां पे बनती है. और वहां पर भी तीन ही है क्योंकि वहां जीवात्मा है, आत्मा है और परमात्मा है. तो ये जो तीनों मिलकर के एक फार्मूला बना रहे हैं, वहां एक फार्मूला बना है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. तो वो जो फार्मूला उन लोगों ने, उन तीनों ने मिलकर बनाया है, उसको फार्मूला जगत से, ये जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हो रहा है, इंद्रियगत है या आप उपयोग कर रहे हो, जो अदल रहा है, बदल रहा है, आकार है, साकार है, निराकार है, जितना भी इसमें तामझाम है, जितने बुद्धि का ज्ञान है कि सारी आपके इंद्रियगत ज्ञान है, सारे के इसमें ज्ञान जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो उस फार्मूला है, वो फार्मूला है. मगर वहां ऐसा हमने नहीं देखा था कि ये तीन जो है, और ये तीन से छह हुए हो, छह से अठारह, अठारह से हजार, दस हजार, करोड़, दस अरब हो, ऐसा वहां पर कोई नहीं है. तीन है, तीन ही का फार्मूला है, जहां दो मिलकर के फार्मूला तैयार कर रहे हैं, तीसरा वहां उसकी जरूरत नहीं है, तीसरा वो अंदर में है उनके. तो जो फार्मूला उन्होंने तैयार किया, फार्मूला जगत है. ये जो तीन चीजें हैं जी,
परमात्मा आत्मा और जीवात्मा जी। उसके अलावा आपने किसी और चीज को बनते नहीं देखा? नहीं, वहां उसे इनसे कुछ बना ही नहीं था, इससे कुछ बना ही नहीं था। नहीं, ये दोनों की मौजूदगी थी, चेतन की, परमात्मा की, प्रकृति की, और उसी के अंदर जीवात्मा। हाँ, उसी के अंदर वैराइटीज के जीवात्मा। हाँ, बहुत। तो तीन मूल सिद्धांतों के अलावा कुछ और नहीं है? नहीं, और उसमें नहीं है जी। उसके तीन जो मूल सिद्धांत है उसके अलावा उसने कुछ बनाया ही नहीं था। मगर जब हम ये देखते हैं कि ये जगत यहां पर बिल्कुल स्पष्ट होता है और ये बिल्कुल सत्य भासता है, हर हर दृष्टि से ये सही भासता है, तो उसमें इस जगत को से जगत में रह करके और जगत का मूल को जानने के लिए वशिष्ठ जी राम जी को आत्मज्ञान योग वशिष्ठ रामायण में आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो हर उनकी शिक्षा उसके अंदर योग वशिष्ठ रामायण में कि हे राम जी, ये जगत सत्य नहीं है और ये जगत हमें सत्य की नाई भासता है और ये इंद्रियगत ज्ञानों से मुझे ये स्पष्ट होता है कि ये बिल्कुल सत्य है, मगर ये हे राम जी, ये सत्य जगत नहीं है, ये मिथ्या है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न जागृत अवस्था में मिथ्या हो जाता है, ऐसे ही ये जगत अभी आत्मज्ञान आपको नहीं हुआ है इसलिए ये जगत सत्य है, आत्मज्ञान की स्थिति में ये जगत सत्य नहीं रहता। तो ये चीज वो योग वशिष्ठ रामायण में अष्टावक्र जी यही बोल रहे हैं, राजा जनक को बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, या जो आत्मा सत्य है, वो तीनों पोजीशन सत्य हैं। ये जो जितना जगत देख रहे हैं ये सारा मिथ्या है, मगर आत्मज्ञान जब हो जाता है, जब इन तीनों का आमना सामना हो जाता है, उसके बाद में अंदर में ये चीज हमेशा बनी रहती है, चाहे वो कितनी भी जगत को इस्तेमाल कर रहा हो, ये चीज हमेशा एक कोने में सांकेतिक रूप में बनी रहती है कि ये जगत मिथ्या है और इसका उपयोग हम कर रहे हैं, ये मेरी इस वक्त जरूरत है, काल समय की जरूरत थी इसलिए मैंने उपयोग किया, मगर ये मिथ्या है और ये तीन सत्य हैं जिन्हें मैं जानता हूं। ये अंदर में हमेशा एक संकेत हर चीज पे देता रहता, हर वक्त देता है, हर समय देखता है। इसलिए इसमें अगर मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तपस्या की, किसी ध्यान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो निरंतर आपकी समझ में है और निरंतर हर चीज पे वो अपना व्यू दे रहा है, अपनी सोच दे रहा है, अपना वो डाल रहा है। तो इसलिए इसमें हमने अपने को अनुभव किया कि मुझे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं, कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, जो हो गया तो ठीक है। खाना पीना रहना सहना उसमें सब में वही चीज दिखाई देती है, तो सारी हर समय यही विचारधारा अंदर में बनी रहती है। मगर ये बात हर समय मैं किसी को बताऊं तो ये बताऊं तो मैं भी एकदम पागल हो जाऊंगा और सुनने वाला भी भाग जाएगा यहां से कि ये तो हर समय एक ही बात को लेके बैठे, मगर ये अंदर में रहता है। और हमने दूसरी और एक चीज में बार बार देखता हूं जगत में कि ये प्रकाश की भांति इधर कभी चला गया, कभी उधर चला जाता, कभी कहीं दिखाई देने लगता, कभी दे। पहले तो मैं बता देता था तो एक सीमा में, अब नहीं बताता किसी को कहां दिखाई दे रहा कहां नहीं दे रहा, मगर ये हमारे संग में घटता है। तो अब ये एक जैसे बिल्डिंग जिस तरीके की लाइट होती है व्हाइट कलर की, तो वो नहीं, उसका कोई आकार नहीं वहां दिखाई देता, नहीं आकार नहीं दिखाई देता, मगर यूं चला और यूं चला और चलता हुआ मैं बहुत देर तक देख लेता हूं कि ये कहां तक चला गया, फिर लुप्त हो गया। तो ये चीज मेरे को जीवन में चार छह दिन के बाद में एक दिन तो हो जाए, या एक दिन में दो बार भी हो जाए, ये हो जाए तो पहले मैं बता देता था, अब नहीं बताता। क्यों? इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये बात भी बताने लायक नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या समझेगा कि ये बात इस तरीके की आप बता रहे हो, तो इससे हम आपको क्या फायदा कोई नहीं है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, जब मैंने बार बार बड़ा हमें चाव था कि आत्मा 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 कहां है कहां है, अंदर आत्मा बाहर प्रकट होगी, अंदर प्रकट होगी, ये बड़ा चाव था, और जब सामने पड़ेगा तो हम एकदम धराशायी हो गए, अरे ये तो किसी का काम का ही नहीं है, किसी मतलब का ही नहीं है। तो ये चीज वहां भी है, तो यहां पर भी किसी काम की नहीं है सब चीजें, क्योंकि ये जगत वो उन
उनका फार्मूला है, मगर वो तीन है यहां, तीनों यही है, मगर वो तीन से कभी तेरह नहीं हुए, वह है तीन ही। और ये जगत आपको इनको नाना प्रकार, जो नाना प्रकार अंडे होके दिखाई देगा, जो अणु होके दिखाई देगा, या साइंस इसको अगर ढूंढ रही है, तो एक तो हम अनरियल और हम उसी अनरियल पे खोज कर रहे हैं, तो हमें बड़ा अचंभा होता है कि ये हो क्या रहा है। तो इस तरीके का ये जगत देखा जाए तो कई ऋषि महात्माओं ने कई शास्त्रों में कहा गया कि ये जो है ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है जगत, वो तीनों की पोजीशन रियल है। तो एक इस तरीके का है इसमें। और आप अगर कुछ बताना चाहें तो एक संदेश दें, बताएं। ओके, इफ वी ब्रीफ व्हाट एवर शर्मा जी हैज सेड, एनी पर्सन हु इज अवेयर ऑफ द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स, द थ्री मूल सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ परमात्मा, आत्मा एंड जीवात्मा, देर इज द एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस, द प्रकृति एंड मल्टीपल जीवात्मास, दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर द ओनली रियल थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, ओके, वॉट एवर इज, वॉट एवर एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट ओनली इन द अपियरेंस। सो द मैन हु इज अवेयर ऑफ दिस थ्री प्रिंसिपल एंड अवेयरनेस always remains, awareness of these three principles, then that man can see, or for that person this whole existence, this whole cosmos is unreal, that is the whole cosmos exists only in space and time, and the three principles, existence of these three principles remain beyond time and space. So for a person who is not aware of these three principles, who does not know himself, that he is the combination of the cosmic energy, means not cosmic energy, the energy of the consciousness and the prakriti, right? For that person, the existence is unreal. The person who does not know the existence is real, and the person who knows it very well, who knows it all the time, irrespective of the time, for him or for her, this whole existence is unreal. Thank you.